नंबर 75 सेट लेकर एक आसान क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड भी पूछ चुका है। माइनस ए से ए तक जब लिमिट दिखती है तो हर बच्चा ज्यादातर जानता है कि जैक प्रॉपर्टी लगती है, और जैक प्रॉपर्टी को मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। जहां तक बात की जाए एफ एक्स की, तो ये मैंने फंक्शन एफ एक्स मान लिया। एक बार हमें fx लिखना था, मैंने लिख दिया f ऑफ माइनस एक्स में साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आएगा, स्क्वायर उस माइनस को निपटा लेगा। बट 2 की पावर माइनस एक्स में इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, एलसीएम लोगे आप तो आप ये पाओगे दोनों में लिमिट सेम है, साइन स्क्वायर एक्स दोनों में है, मैंने कॉमन लिया 1 प्लस 2 की पावर एक्स इधर और इधर कैंसिल हुआ, कुल मिलाकर के बचता है साइन स्क्वायर एक्स। पावर इवन है तो कॉस के फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2। अब यहां से एक बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो कि कोई भी 12th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको ठीक ठाक पढ़ना भी आता है वो भी कर लेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। नाउ आंसर इज पाई बाय।